बैक टू माई चैनल। भाई एकदम सही मैंने अपना कैमरा खोल लिया। ओ भाई मैं थोड़ा लेट उठी हूँ आज, मतलब बहुत लेट नहीं, मुझे 5 बजे उठना था, मैं 6 बजे उठी हूँ। अब देख रहे हो उजाला हो चुका है और मैंने सोचा भाई पहली चीज़ व्लॉग ऑन कर देते हैं। मैंने मुँह भी नहीं सोया अभी तक, तो फटाफट से जाके रेडी होते और चले गए जिप। भाई पापा भी उठ चुके हैं एट गुड टाइम 6:45। क्या आजकल के बच्चे इतने लेट लेट क्यों उठते हैं भाई? बस उठ जाते हैं जल्दी। लैग कर रहे हैं अभी। उजाला हो गया यार आज, निकलते निकलते अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को अंधेरे में जाने की आदत है, एकदम उजाला हो गया, फील्स नहीं आ रहे एकदम मॉर्निंग वाले। लेट आई तो क्या हुआ, अभी भी जिम खाली पड़ा है भाई। मैं जिम से फ्री हो गई हूँ, बट आई थॉट कि अंडे वगैरह ले जाऊँ, और अगर मैं नहीं लेके जाऊँगी तो मैं इन लोग को 20-25 मिनट तक बोलती रहूँगी कि ले आओ ले आओ ले आओ, तो कोई लाएगा नहीं। तो इससे अच्छा मैंने सोचा मैं खुद ही ले आती हूँ और फिर तब घर जाऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। 1 लीटर दूध भी दे दो आप। 2 लीटर दे दिया अभी, चलो ठीक है। इस सामान मैंने ले लिया है, मैं देख रही हूँ दूर से पापा भी दिख रहे हैं मुझे, लेकिन वो उधर को मुड़ गए, मैं पापा पापा बोल रही हूँ, उन्होंने सुना ही नहीं, फिर वो चल दिए। मैं अच्छा खासा स्कूटी में बैठ के आ जाती आधे रास्ते, देखा ही नहीं भाई अपनी बेटी की तरफ, ध्यान ही नहीं, चले जा रहे हैं बस। बोल पापा पापा, हाथ भी हिला रही हूँ मैं, कोई जवाब ही नहीं है भाई, इग्नोर ही कर दिया बिल्कुल मुझे। और सेम दुकान से आ रहे थे, लेकिन मैंने बोला कि अच्छा अंडे दे दिए, अब ब्रेड और दूध भी दे दो। कह रहे दूध और ब्रेड तो पापा ले गए। मैं अपने मन में सोच रही दूध ब्रेड का याद है, बेटी के अंडों का याद नहीं है, बुरा लगा मुझे। अभी जाके ऊपर क्लास लेती हूँ। पापा ये बताओ आपका बेटी पे ध्यान है नहीं है? है? कोई नहीं है। देखो मैं गया ब्रेड लेने, उसके साथ मैंने अंडे लिए, अंडे लिए कद्दू जूस लिया, मेरे सामने से आ रहे थे आप, तो भाई क्यों नहीं रोका? और मैं ऐसे कर रही हूँ पापा पापा पापा, कब बीच ने ठारी में ऐसे कर रही थी, पापा पापा कब पापा पापा उधर को मुंह करके, कोई मतलब नहीं पापा आपको। नहीं तो पहले पहले थी क्या? हाँ पहले थी ना। अब काफी पहले क्यों होंगी मैं? मेरे सामने से नहीं लिया। जिस तरफ आप मुड़े हो ना सोसाइटी गेट की तरफ, उससे 4 कदम पहले खड़ी थी मैं बस। तो बस भी 4 कदम पहले खड़ी थी ना। और मैं अंडे लेने गई, सुन रहे हो आप मेरी बात, मैं अंडे लेने गई, उसके बाद मैंने बोला 2 किलो दूध दे दो, उन्होंने बोला वो तो पापा ले गए। बिल्कुल ले गए भाई। मैंने बोला चलो, मैंने सोचा और क्या है हमारे घर में, नहीं है जो जो खत्म होने वाला है, मैंने सोचा ब्रेड नहीं है, मैंने बोला ब्रेड दे दो, उन्होंने बोला वो भी पापा ले गए। तो अंडों का क्यों नहीं याद आया आपको? क्योंकि आज मेरा फास्टर टुडे इज द मंडे। मेरा तो नहीं है ना भाई, भाई आपको बेटी के अंडों का अंडे मीट मार्ट मेरे को सब पसंद नहीं आता, हम शुद्ध शाकाहारी लोग हैं। हमारा पंडित सबसे ज्यादा चिकन के चासुर में है ये, और पापा आपको बिल्कुल बेटी का ध्यान नहीं आया, अंडे आया बे भाग कुछ तो नहीं आया आपको, अच्छी बात नहीं लगी यार। ध्यान आता है लेकिन फिर थोड़ी देर बाद चला जाता है। जाओ अंडे बनाओ, इसी बात है। ओके कुछ ना, ओके मुझे ही बनाने पड़ेंगे अंडे, ऐसा कुछ भी नहीं देख लियो। ठीक है आज पापा बनाएंगे खाना, मैं देखना फिर अभी ब्रेकफास्ट में ही खाने हैं तो बना देंगे यार, बिग डील थोड़ी है। जाओ अभी बनाओ। रोते क्यों रहे तो खाना बनाने के नाम पे, जरा जरा से काम के लिए। मम्मी भी तेरी ऐसी, तू भी ऐसी, खाना बनाने के नाम पे रोते रहते। मम्मा पापा आपकी शिकायतें लगा रहे हैं व्लॉग में, मत डालियो ना। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं मम्मी भी रोती रहती है खाना बनाने के लिए, और मैं भी रोती रहती हूँ, खाना क्या बनाना। फौजी फौजी हमारे घर का, फौजी हमारे घर का एक फौजी है जो सिर्फ हम पे रूल करता है। अच्छी बात है यार, बोलने दिया करो, दूसरे को भी बोलने दिया करो।
बहुत इंटरेस्टेड है मम्मी को बोलने ब्लू आ भाई। मैं सिंपल ये कह रही हूँ, अगर मुझे खाना बनाने में प्रॉब्लम होती है, इतने सालों से जब से तुम लोग पैदा हुए हो ना, तब से मैं ये सेटिस्फाई करने में लगी रही इन लोगों को, लेकिन आज मैं खुल के बोलती हूँ कि हाँ मुझे खाना बनाने में प्रॉब्लम होती है, अब तुम खाना बनाओगे, कोई भी आए, अभी अभी कुछ दिनों में इतने साल इनकी मम्मी आ रही है, अब खाना 3 दिन 4 दिन लगातार तुम बनाओगे। भाई मैंने तो हाथ खड़े किए, अच्छा, होती है उनको ऑफिस नहीं जाना इतने होता है, ऑफिस छोड़ छोड़ के आएंगे, मैं नहीं जाती हूँ खाना बनाने, हम नहीं काम करते यार, इतने टाइम से तू खाना बना रही थी, अब मम्मी ने हाथ खड़े कर दिए, अब वो बुढ़ापे तक मुझे खाना बनाना है 80 साल में यार, जब से शादी हुई तब से तो मैंने थैला पकड़ लिया था सब्जी का, जब से हुई है शादी, मेरे बाहर 100 दी बेच बाज के थैले में जा रहा हूँ, थैले में जा रहे हो, थैले में सब्जी लेके जा रहा हूँ, उसके बाद यही किया मैंने, करा क्या, मेरे खाने वाले जो थे वो उड़ गए। एनी क्लोजिंग वर्ड्स? नो एक्सप्लेनेशन, मेरा माइंड नहीं, मेरे को वहां बत्ती जलाना था, मैं किचन में जा रहा हूँ। गाइज मेरा ब्रेकफास्ट तुम देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है भाई, पापा पापा जब खाना बनाते हैं ना अलग ही पता चल जाता है, ये देखो पापा ने बनाया है अंडा ब्रेड एकदम सुंदर, दे दिया अब खाना बनाने की। गाइज मेरा लंच टाइम हो चुका है, मतलब लंच टाइम हुआ नहीं, आज हम कुछ एक्स्ट्रा ही जल्दी खाना खा रहे हैं 12:30 जबकि मैंने अभी ब्रेकफास्ट किया है, बहुत हैवी ब्रेकफास्ट किया, और मैं बाहर आके बैठ के अपना लंच कर रही हूँ क्योंकि भाई मुझे अंदर इतनी ठंड लग रही है, तुम लोग देख सकते हो मैंने स्वेट शर्ट पहनी हुई है क्योंकि मुझे इतनी ठंड लग रही थी, और भाई मम्मी पंखा चला के बैठी है तो मेरे से तो बेयर ही नहीं हो रही थी भाई ठंड, तो मैं यहाँ धूप में बैठी हूँ, और फिलहाल आज है खाने में मटर आलू, भाई बड़ी क्रीमी सी सब्जी बनाई है तो मम्मी ने, और मडवे की रोटी माय फेवरेट। ये तू रात को क्या बना हुआ, ये रात को कौन चश्मे लगाता है, आर्टिस्ट लोग ऐसे ही रहते हैं। ओए होए होए, एक तो इसकी आर्टिस्ट बने खत्म नहीं, क्या लाया भाई अपनी बहन के लिए, कुछ तो लाया ही है। Oh wow! For you and for me. For us. For us, we gonna party tonight because mommy papa not here. क्या हो गया पागल हो गया? This is one for you. Wow! And we yum. have this one also. मेरा खाना भाई। So. Burgers tonight. Let's go. Not burgers tonight. Maybe we our mother will. Make food for us, but we will eat burger for some base, and then will you make one video with me? No, okay, कोई बात नहीं। पहले ना बोलने से पहले समझिए, समझदार तो है मेरा भाई। Look who is here, अम्मा hello करो। ओहो अम्मा के अभी नखरे जा नहीं रहे, लेडीज लोग के नखरे कभी ज्यादा नहीं है, अम्मा की तो मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ अभी। अम्मा हेलो कर तो दो यार, कहीं करो कुछ जी जैसा ना जैसा तो क्या, ये क्या है ऐसे कर दो बस ऐसे। अम्मा इज अ लिटिल बीमार तो, अरे अच्छा ठीक है अम्मा, भैलो करना बंद कर सकते हो आप, बंद कर दो। एनीवेज तो अम्मा बस जस्ट अभी आई है, मम्मी पापा अम्मा को लेके आए हैं, तो अम्मा भी बड़ी थकी हुई है, तो हम अम्मा को भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अम्मा क्या ले आई, और केले की चिप्स थोड़ी है, ये केले की चिप्स है, लड़िया है लड़िया, वो तो ग्रीन कलर के थे जो अम्मा ने हमें इतने सारे दिए थे, ब्लू है, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की चीजें अम्मा हमारे लाती हैं। एंड फिलहाल के लिए मैं इस व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ, इफ यू एंजॉयड दिस वन मेक श्योर टू लाइक कमेंट शेयर डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, कल मिलते हैं, बाय बाय।